किसानों की समस्या को लेकर जांजगीर में किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कृषक चेतना मंच के बैनर तले किसानों ने कचहरी चौक पर धरना दिया। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की और समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने और धान की तुलाई इलेक्ट्रॉनिक कांटे से करने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया। आंदोलन को समर्थन देने बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद और प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान पहुंचे थे। सभी ने मांगों का समर्थन करते हुए उसे पूरी करने की मांग सरकार से की। अपना संयुक्त मांग लेके नहीं, सरकार को उसकी वादा की याद दिलाने के लिए जो उन्होंने वादा किया था उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं धरना के माध्यम से। सरकार ने वोट लेते समय नाना किस्म का जो हमारे पास छल कपट करके कई ठो प्रलोभन दिया उसका हम याद दिलाना चाहते हैं कि सरकार अगर उन वादाओं को पूरा नहीं करती है तो जैसी 2 साल के बोनस नहीं दे के कारण रमन सिंह की सरकार को सरकार से हाथ धोना पड़ा, वैसी भूपेश सरकार भी अगर समय रहते सचेत नहीं हुआ और हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो सरकार निश्चित रूप से घर बैठ जाएगी। चाहे जितना भी हमको लंबा आंदोलन करे इसको और धार देना पड़े, हम सब चीज़ के लिए तैयार हैं। वर्तमान में 20 साल से जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है फसल चक्र परिवर्तन के नाम से हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है। बांगो बांध का जो निर्माण है उसका एकमात्र लक्ष्य है किसानों को पानी देना। हर साल ये लोग पानी देने के पहले सिगुफा छोड़ देते हैं कि हम गेहूं चना के लिए पानी देंगे। वास्तव में जांजगीर ज़िला का जो खेत है और जो सिस्टम है नहर का उसमें एक खेत से दूसरे खेत पानी जाता है। इस परिस्थिति में हम लोग धान की फसल किसी भी कीमत में नहीं ले पाते, अतएव किसान वही फसल बोएगा और उसको संवैधानिक अधिकार है कि किसान को जिस फसल में फायदा होगी वही फसल किसान लेगा, अपनी इच्छा से लेगा। अगर सरकार ऊपर दबाव बनाती है तो जैसी अजीत जोगी का हश्र हुआ है वैसी भूपेश बघेल का भी हश्र होना निश्चित है। दूसरी बात है हमारी शराबबंदी। एक तरफ हमारा जो भी नया पीढ़ी है इतना ज़्यादा शराब का शिकार हो रहा है और अब तो हमको चिंता सताने लगी है कि हमारी जो नई पीढ़ी की बेटियां हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं भारत भर में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सफलता पा रही हैं, खेल के क्षेत्र में पा रही हैं, उनका शादी हमको एक दरुआ के साथ करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो रहा है। अतएव सरकार को सचेत होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करें। सहकारिता का चुनाव में अब ये नामजदगी करते हैं, दुनिया जानती है हर पार्टी में गुटबंदी है, हर पार्टी में 2 गुट 3 गुट है और जो भी ये लोग नामजद करेंगे कल भाजपा की सरकार बनेगी वो नामजद करेगी, तो ये लोग पूरी तरीके से एक तो हमारे हक का जो भी मंडी समिति है, जल उपभोक्ता संस्था है, सहकारी समिति है, इसमें सरकार का नियंत्रण हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। जो हमको पानी मिल रहा है, जो हमको खाद मिल रहा है वो उचित रेट मिले। एक तरफ राजीव गांधी न्याय योजना का ढिंढोरा पीटती है सरकार, 4 किस्तों में पैसा देती है, किसी भी किसान का पासबुक अपडेट नहीं करती, किसान ऐसे भूल जाता है कि मैं यहाँ एक कार्यक्रम किसान चेतना मंच को समर्थन देने महासमुंद से आया हूँ। हमारे साथ परसना साहू जी भी आए हुए हैं जो रायपुर जिला से हैं, आरंग के रहने वाले हैं। ये एक मंच है जिससे किसानों के बारे में चर्चा हो रही, किसानों की बात हो रही है। मैं इसलिए इस मंच को समर्थन देने महासमुंद से आया हूँ, रायपुर से आए हुए हैं। इनकी जितनी 9 मांगों को देखा हूँ इतनी बहुत अच्छी मांगें हैं जो सरकार सहज रूप से पूरा कर सकती है बहुत सरलता से। जैसे हमने महासमुंद में किसान महाबैठका किया था जिसमें हमने 24 मांगें जो भेजी हैं सरलता से राज्य सरकार मान सकती है और 5 मांगें केंद्र सरकार को हमने भेजा है। वो मांग ये थी कि स्वामीनाथन का जो कमेटी बना हुआ है उसमें स्वामीनाथन के द्वारा समर्थन मूल्य घोषित हो और उसको 1.5 गुना लागत मूल्य में 12 महीना खरीदी हो, समर्थन की कानूनी गारंटी भी मिले, ये सब बातें हमने भेजे हैं। साथ ही अभी किसान सम्मान निधि में जो लूट मचा हुआ है केंद्र सरकार का, हमने उसको भी लिखा है ताकि आप प्रति पट्टे के आधार पे किसानों को पैसा दें, ना कि पिताजी है तो बेटे को नहीं मिले, पति है और पत्नी है तो पत्नी को मिले पति को ना मिले, ये सब बातें आ रही हैं, तो हमने केंद्र सरकार को भी भेजा है। साथ ही सरकार को हमने ये भेजा है कि राज्य सरकार को कि दाना दाना धान खरीदी होना चाहिए। 14 क्विंटल 80 किलो के बाद का धान हमारा जो जाता है 11 रुपया 12 रुपया 13 रुपया दर में जाता है जो किसानों के लिए नुकसानदायक है।
रबी फसल के धान को हमारा कोई कीमत नहीं है, लागत मूल्य नहीं निकल पा रही है। तो हमने सारी मांगे हमने भेजी है, जैसे जंगली सुअर से बहुत किसान परेशान है, हमने उस मांग को भी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भेजा है। तो हमारी मांग ये है कि ये छत्तीसगढ़ की मांग है, ये सिर्फ महासमुंद जिला या जांजगीर जिला की मांग नहीं है, ये सारे छत्तीसगढ़ की मांग है, 27 जिला की मांग है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, चाहे राज्य का मामला है तो राज्य सरकार उसको पूरा करे, अगर केंद्र सरकार की मामला है तो केंद्र सरकार पूरा करे। भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।